नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना से बचाव को लेकर वर्कशॉप का हुआ आयोजन, WHO के अधिकारियों ने सतर्क रहने की कही बात। भागलपुर में अपराधी बेखौफ, दिन दहाड़े CSP संचालक से हथियार के बल पर लूटे रुपए, जांच में जुटी पुलिस। बांका में शौच करने गई नाबालिग के साथ हुई दुष्कर्म, पीड़िता ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। शहर में नहीं थम रहा है सुअरों की मौत का सिलसिला, मेयर ने कहा संक्रमण रोकने के लिए सभी वार्डों में चलाया जाएगा स्वच्छता अभियान। और डायन का आरोप लगाकर दबंगों ने महिला की सरेआम की पिटाई, हालत गंभीर, मायागंज अस्पताल में चल रहा है इलाज। अब समाचार विस्तार से। कोरोना वायरस की रोकथाम और बचाव के लिए देश भर में अभियान चलाया जा रहा है। वहीं सोमवार को भागलपुर के सदर अस्पताल में कोरोना वायरस पर जिला स्तरीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। जिला स्वास्थ्य समिति के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में कोरोना वायरस पर विस्तार से चर्चा की गई। कोरोना उन्मुखी कार्यक्रम में सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार, ACMO डॉक्टर अजय कुमार सिंह, DIO डॉक्टर मनोज कुमार चौधरी, DPM फैजान असरफी, WHO के डॉक्टर राजीव कुमार और डॉक्टर एस घोष ने कई जानकारी दी। वर्कशॉप में सिविल सर्जन ने कहा कि नोवेल कोरोना विश्व में तेजी से फैल रही है, इसीलिए इससे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि कोरोना के सामान्य लक्षण सर्दी, खांसी और निमोनिया जैसे होते हैं। वर्कशॉप में चिकित्सकों ने बताया कि यह वायरस विषैले सांप से फैला है, जो काफी खतरनाक है। वहीं कार्यक्रम में WHO के प्रतिनिधियों ने कोरोना वायरस से बचाव के उपाय बताए। वर्कशॉप में स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों ने आइसोलेशन वार्ड में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी। साथ ही ड्यूटी में तैनात कर्मियों को अलर्ट रहने और कोरोना का मामला सामने आने पर इसकी सूचना मुख्यालय को भेजने की बात कही। मौके पर जिले भर के कई चिकित्सक, स्वास्थ्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर सोमवार को दिन दहाड़े हथियारबंद अपराधियों ने CSP संचालक से 70,000 रुपये लूट लिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही विधि व्यवस्था DSP निसार अहमद मौके पर पहुंचे और घटना की जांच में जुट गए। दरअसल जगदीशपुर थाना क्षेत्र के भवानीपुर मोड़ के समीप CSP संचालक विष्णुदास बलवाचक स्थित स्टेट बैंक से रुपए निकासी कर अपने घर लौट रहे थे। इसी क्रम में भवानीपुर मोड़ के समीप 3 हथियारबंद अपराधियों ने ओवरटेक कर विष्णुदास से रुपए से भरा बैग छीन कर फरार हो गया। वहीं विधि व्यवस्था DSP ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है और जल्द ही तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हम आपको बता दें कि कुछ माह पूर्व भी जगदीशपुर में CSP संचालक से 3 लाख रुपए लूटे गए थे, लेकिन आज तक लुटेरा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लगभग 11 बजे करीब में एक व्यक्ति बलुआ चक बैंक से पैसा निकाल के डिक्की में रख के जा रहा था, जिसे 3 अपराधियों द्वारा ओवरटेक करके डिक्की से निकाल कर मतलब गायब हो गए। उस बिंदु पर जो आस पास लगे CCTV कैमरा को हम लोग खंगाल रहे हैं। CCTV कैमरा में कुछ अभी तक तो वादी द्वारा पहचान कराया जा रहा है, कुछ आदमी का पहचान किया गया है और दूसरे जगह कैमरा देख के हम लोग स्पष्ट क्लियर करेंगे। बांका के चांदन बिरनिया पंचायत के सिखपुरा टाण गांव में एक महादलित परिवार की नाबालिग पुत्री के साथ शौचालय जाने के दौरान बलात्कार करने का मामला सामने आया है। दुष्कर्म का आरोप सिखपुरा गाँव निवासी सचिन पंजियारा के पुत्र प्रकाश पंजियारा पर लगाया गया है। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त सुबह 7 बजे नाबालिग शौच के लिए नदी किनारे गई थी, जहां पहले से ही घात लगाकर बैठे प्रकाश पंजियारा ने नाबालिग का मुंह दबाकर जबरन अपने कब्जे में ले लिया और घटना को अंजाम दिया। इसके बाद आरोपी ने नाबालिग द्वारा मुंह खोले जाने पर बालिका की और उसके घर वालों की हत्या करने की धमकी दी। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस हरकत में आई और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दिया। फिलहाल आरोपी फरार बताया जा रहा है। बेटी के लैटरिन करे वहाँ पकड़ी, उन्होंने रेप कर लेके के कर लेके प्रकाश है। और घर कहाँ लगा? शेखपुरा। और घर कहाँ लड़का लगा? शेखपुरा। तब तो नहीं पता कब चल रहा? 6 बजे बिहान भोर हो। ये चिल्ला ले कि न? हाँ पूरा चिल्ला ले। तब ओकर बाद बचाल के अथी वो गया अगर आशा चले नाम उनकी ससुर ला के उन्हें छीन ले छे, छाता छीन ले छे, ओकरा मार ले छे, गंजी फाड़ दिल छे। भागलपुर के सुर्खीकल इलाके और आसपास के क्षेत्रों में सुअरों के मौत का सिलसिला लगातार जारी है। सोमवार को भी आधा दर्जन से अधिक सुअर की मौत वार्ड संख्या 26 में हो गई। 100 से अधिक सुअर मरने के बाद स्थानीय लोगों में जहां दहशत है, वहीं दूसरी तरफ स्वाइन फ्लू की आशंका से लोग सहमे हुए हैं।
दुर्गंध के कारण चतुर्थवर्गीय क्वार्टर और महादलित बस्ती में रहने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इधर लगातार हो रही सुअरों की मौत के बाद संक्रमण और महामारी को रोकने के लिए नगर निगम प्रशासन की ओर से चूना, ब्लीचिंग पाउडर और फॉगिंग कराया जा रहा है। वार्ड नंबर 26 में सुअर क्यों मर रहे हैं, यह अब तक बड़ा सवाल बना हुआ है। पशुपालन विभाग की ओर से जिलाधिकारी प्रणव कुमार के निर्देश पर जांच कराया गया है, लेकिन अब तक अज्ञात बीमारी का पता नहीं चल पाया है। वहीं सुअरों की मौत को लेकर नगर निगम की मेयर सीमा शाह भी काफी गंभीर है। मेयर ने कहा कि सुर्खीकल इलाके में विशेष रूप से साफ सफाई अभियान चलाया जाएगा। साथ ही मेयर ने संबंधित अधिकारी को स्थिति पर नजर रखने का निर्देश दिया है। सोमवार को मेयर सीमा शाह ने खुद महादलित बस्ती में जाकर लोगों से जानकारी ली और कहा कि बीमारी से घबराने की जरूरत नहीं है। मेयर ने कहा कि नियमित रूप से सफाई कराई जाएगी। वहीं नगर निगम के स्वास्थ्य प्रभारी मोहम्मद रेहान ने कहा कि सभी मृत सुअरों के शव को इकट्ठा करके गड्ढे में दफना दिया गया है। उसमें हम लोग जागरूकता रखे हैं कि पहले सफाई पर ध्यान दिए, मतलब आपका चूना ब्लीचिंग छिटवाया गया उसमें, और उसमें थोड़ा ये फॉगिंग भी करवाए, और साथ में आज हम लोग बैठक किए तो बैठक में हम लोग निर्णय लिए कि हम लोग पूरा शहर में जो अभी कोरोना वायरस का जो अभी हवा निकला था, हम लोग इसमें बच के ही थोड़ा सा संभल के रहना होगा, और सफाई भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है कि चूना ब्लीचिंग पूरे शहर में छिटा जाएगा और साथ में फॉगिंग भी होगी। आज सबसे पहले जितने भी वार्ड नंबर 26 का एरिया था सुअर का, सारे में संघन जांच करवाया गया। जांच कराने से पता चला कि 27 को सुअर जो है मृत पाया गया आज, तो सारे सुअर को एक जगह जमा करके उसको 8 फीट गड्ढा खोद करके उसके अंदर गाड़ दिए और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव उसके अंदर कर दिए और उस इलाके में पूरे में फॉगिंग का कार्य कराना शुरू कर दिए हैं, अभी लगातार चलेगा। अभी बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र के बल्ली कित्ता में दबंगों ने महिला एवं युवक पर मंत्र तंत्र करने का आरोप लगाया और दोनों की जमकर पिटाई कर दी। दबंगों ने दोनों पर गड़ासा से प्रहार किया जिससे दोनों बुरी तरह से जख्मी हो गए। गंभीर हालत में परिजनों ने महिला एवं युवक को अमरपुर रेफरल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अभय प्रकाश चौधरी ने प्राथमिक उपचार कर मामले की सूचना थानाध्यक्ष को दी। सूचना मिलते ही अमरपुर पुलिस दलबल के साथ अस्पताल पहुंची। पुलिस ने घायल महिला एवं युवक का बयान दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी और मामले का आरोपी दिलीप बगवे को गिरफ्तार कर लिया। घायलों ने पुलिस को बताया कि दिलीप बगवे, रोशन बगवे एवं विकास बगवे हमेशा दोनों पर डायन एवं ओझागुनी करने का आरोप लगाता था और घटना की सुबह अचानक आकर हमला कर दिया। वहीं पुलिस ने घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए भागलपुर मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया है। ये मारपीट की मम्मी इधर से मोटरसाइकिल से जा रहा था, मम्मी पापा और ये था, तीनों था, बस गड़ास लेके निकले उस छबिया लेके और काट दिया। ये कौन है? ये चाचा है। क्या नाम है वो चाचा का? सुभाष। कौन बोलता है? वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बड़े शहरों के तर्ज पर विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा नाथनगर के दरियापुर सजौर में पहली बार। संत पॉल्स अकादमी CBSE कुरिकुलम नर्सरी से क्लास 8 तक की पढ़ाई। कैंपस कवर्ड बाय CCTV, स्मार्ट क्लासरूम्स फॉर ई लर्निंग, फुली इक्विप्ड इन्फर्मरी, कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस संत पॉल्स अकादमी, दरियापुर सजौर नाथनगर भागलपुर। एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7280082712। एडमिशन इज गोइंग ऑन। जी हाँ, अब आपके शहर भागलपुर में विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा पहली बार। GD गोइंका पब्लिक स्कूल, CBSE कॉरिकुलम नर्सरी से 7th तक की पढ़ाई, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन कैंपस, AC बस विथ GPS एंड CCTV, चाहे आवासीय हो या डे स्कॉलर, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ योग, खेल, कला और ई लाइब्रेरी भी। हमारा पता है GD गोइंका पब्लिक स्कूल, G6 बसंतपुर भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7672800010। एडमिशन इज गोइंग ऑन। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर सोमवार को सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया।
जिला पुलिस की ओर से चलाए गए वाहन चेकिंग अभियान के दौरान यातायात नियम तोड़ने वाले दर्जनों लोगों से जुर्माना राशि वसूली गई। स्टेशन चौक, गुरट्ठा चौक, कचहरी चौक, रानी लक्ष्मीबाई चौक, नाथनगर समेत कई स्थानों पर पुलिस प्रशासन और यातायात पुलिस की ओर से संयुक्त अभियान चलाकर ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को सख्त हिदायत दी गई। वहीं 100 से अधिक बाइक चालकों से हेलमेट नहीं पहनने पर जुर्माना वसूला गया। इधर सिटी DSP राजवंश सिंह ने कहा कि SSP आशीष भारती के निर्देश पर जिले भर में एक साथ वाहन जांच अभियान चलाया गया। DSP ने बताया कि वाहन चालकों से अभियान के दौरान सड़क सुरक्षा नियम का पालन करने की अपील की गई। वहीं कई स्थानों पर बाइक सवार पुलिस को चकमा देकर भागने का प्रयास कर रहे थे, जिसे जवानों ने खदेड़कर पकड़ लिया। चालान नहीं कटाने वाले वाहनों को थाना भेज दिया गया। साथ ही अभियान के दौरान वाहन के कागजातों और वाहन चालक के लाइसेंस की भी जांच की गई। वहीं ललमटिया OP क्षेत्र में भी सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया और NH80 से गुजर रहे सभी दो पहिए, तीन पहिया और चार पहिया वाहनों की डिक्की खोलकर तलाशी ली गई और सीट बेल्ट एवं हेलमेट नहीं पहनने वालों से जुर्माना राशि वसूली गई। ईस्टर्न बिहार चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सूजागंज स्थित कार्यालय में सोमवार को माल एवं सेवा कर संग्रह को लेकर शिविर का आयोजन किया गया। 25 मार्च तक चलने वाले GST शिविर में व्यवसायी पेशा कर का भुगतान कर सकेंगे। चैम्बर की ओर से व्यवसायियों की सुविधा के लिए 10 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है। वाणिज्य कर विभाग के राज्य कर अपर आयुक्त रामाधार सिंह के निर्देश पर कार्यालय के डाटा एंट्री ऑपरेटर सोनू कुमार एवं विकास कुमार ने व्यवसायियों को पेशा कर भुगतान करने के संबंधित जानकारी दी। चैम्बर के अध्यक्ष अशोक भिवानीवाला ने कहा कि जो भी व्यवसायी GST के अंतर्गत निबंधित हैं, उन्हें प्रोफेशनल टैक्स भुगतान करना आवश्यक है और इसी को ध्यान में रखकर विभाग के सहयोग से चैम्बर कार्यालय में शिविर लगाया गया है। इस मौके पर उपाध्यक्ष शरद सलारपुरिया, सचिव पुनीत चौधरी, अभिषेक जैन समेत चैम्बर के कई सदस्य एवं व्यवसायी मौजूद थे। पहले तो ये जानना जरूरी है कि आज यहाँ हो क्या रहा है। जो भी व्यापारी GST के अंतर्गत यानी माल एवं सेवा कर के अंतर्गत निबंधित है, बिहार सरकार का ये प्रावधान है, बल्कि भारत सरकार का ये प्रावधान है, उनको साल में एक बार 2500 रुपया प्रोफेशनल टैक्स बोल करके जमा देना है। और व्यापारियों की सुविधा के लिए यहाँ पर शिविर लगाया गया चैम्बर कार्यालय में, ताकि आसपास के लोगों को कार्यालय नहीं जाना पड़े और यहाँ आकर वो जमा करा दें। विभाग की तरफ से सुविधा दी गई है कि विभाग के दो कर्मचारी श्रीमान समूह जी और विकास जी यहाँ उपलब्ध हैं और हम लोग उनकी मदद कर रहे हैं। हम लोगों ने इसका पूरा प्रचार प्रसार किया है। ये आज के दिन 16 तारीख से 25 तारीख तक दिन में 1 बजे से 5 बजे तक यह कार्यक्रम चलेगा। भागलपुर जिला कांग्रेस कमेटी, जिला महिला कांग्रेस, नगर विकास कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को भागलपुर के खलीफाबाग चौक पर जानलेवा कोरोना वायरस से बचाव के लिए जन जागरण अभियान चलाया गया। इस दौरान आम नागरिकों के बीच मास्क का भी वितरण किया गया। इस क्रम में लोगों का सैनिटाइजर से हाथ धुलवा कर आग्रह किया गया कि आप समुचित सावधानियां बरतकर जानलेवा संक्रमण से बच सकते हैं। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष डॉक्टर अभय आनंद ने कहा कि बीमारी से दहशत में आने की वजह लड़ने की जरूरत है। भागलपुर में फिलहाल इसका कोई खतरा नहीं है, फिर भी सावधानियां और अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना आवश्यक है। नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सोइन अंसारी ने कहा कि समाज में जागरूकता लाकर इससे बचा जा सकता है। वहीं महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अभियान कराने का मुख्य उद्देश्य बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करना है। मौके पर जिला कांग्रेस के महासचिव रविंद्र यादव, अभिषेक चौबे, राजेश शाह, रणवीर शर्मा, विवेक जैन, बंटी दास समेत कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। हम लोग सैनिटाइजर का वितरण कर रहे हैं, मास्क का वितरण कर रहे हैं। हमारा मकसद यह नहीं है कि हम सिर्फ मुफ्त में लोगों को यह बांटें, बल्कि यह है कि भागलपुर की जनता के बीच एक जन जागरण चलाएं और लोगों को बताएं कि जिस वायरस से पूरी दुनिया ने अपने जद में ले गया है, उससे बचे कैसे। वैसे यह सौभाग्य की बात है कि भागलपुर शहर अभी इससे अछूता है। कांग्रेस के तरफ से जो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में चाइना के द्वारा जो भेजा गया है कोरोना वायरस, उससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान है और भयभीत है। इसके लिए जो जन सुविधा होनी चाहिए, प्रत्येक दिन हाथ धोना है, नाक पर मास्क लगाना है और
लोगों को ये बताना है कि आप जितना साफ सफाई से रहें, इसके लिए जागरूकता अभियान आज कांग्रेस के तत्वावधान में खलीफाबाद चौक पर रखा गया। बिहार राज्य संघर्ष समन्वयक समिति के आह्वान पर सोमवार को भागलपुर के नाथनगर इकाई की ओर से कोरोना वायरस से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व प्रखंड अध्यक्ष रंजीत रजक ने नाथनगर के कौवा कोली से किया। इस दौरान लोगों को कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी दी गई और इसके रोकथाम के लिए जागरूक किया गया। रंजीत रजक ने कहा कि नियोजित हड़ताली शिक्षक अपने सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे और अधिक से अधिक लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक करेंगे। वहीं चंदन कुमार ने कहा कि शिक्षक का कार्य केवल शिक्षा बांटना नहीं बल्कि विकास कार्यों में सहभागी बनना भी है। इधर सनौला के सनोखर पंचायत में भी हड़ताली शिक्षकों ने राज्य इकाई के निर्देश पर कोरोना वायरस से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। शिक्षक अजीत कुमार के नेतृत्व में चलाए गए अभियान में ग्रामीणों से हाथ धोने और साफ सफाई रखने की अपील की गई। साथ ही कहा कि सावधानी और स्वच्छता ही बेहतर स्वास्थ्य का रहस्य है। इस मौके पर काफी संख्या में पुरुष एवं महिला शिक्षक मौजूद थे। बांका SP अरविंद कुमार गुप्ता ने अमरपुर थाना का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान SP ने थाने में लंबित पड़े केसों की समीक्षा की और त्वरित गति से नए एवं पुराने केस का निष्पादन एवं कार्रवाई करने का निर्देश थानाध्यक्ष सनी कुमार को दिया। SP ने क्षेत्र में रात्रि गश्ती तेज करने, बैंक परिसर के समीप संदिग्ध लोगों की सघन तलाशी लेने, शराब एवं बालू माफियाओं पर नकेल कसने और सभी पेंडिंग केस का निष्पादन कर रिपोर्ट मुख्यालय भेजने का निर्देश दिया। इसके अलावा SP ने पुलिस पब्लिक के बीच समन्वय स्थापित करने एवं क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने की बात कही। साथ ही पेंडिंग केस एवं कार्य में कोताही बरतने पर SP ने जमकर क्लास भी लगाई। इस मौके पर बांका सर्किल इंस्पेक्टर वकील प्रसाद यादव, अमरपुर थाना अध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। कांडों की समीक्षा कर रहे हैं। अमरपुर थाना में काफी कुछ आपराधिक घटनाएं घटित हुई थी जिसके अपराधियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। इस तरह कई अन्य शीर्ष के भी कांड है जिसके अभी काफी लंबे समय से फरार है। इसलिए ऐसे सभी कांडों की समीक्षा मेरे द्वारा किया गया। थाना में लगभग आज 200 कांडों की समीक्षा मेरे द्वारा आयोग के समक्ष की गई है और सभी को अकॉर्डिंगली जिस कांड में जिस चीज की आवश्यकता है, अगर गिरफ्तारी की आवश्यकता है तो गिरफ्तारी के लिए प्रतिदिन छापामारी का निर्देश दिया गया। कुछ केसेस इंजरी रिपोर्ट के लिए पेंडिंग है, कुछ केसेस में FSL रिपोर्ट चाहिए, तो सभी को विशेष अभियान चलाते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। बांका पंजवारा थाना क्षेत्र के चंडीडी गांव निवासी राजेंद्र मंडल का 24 वर्षीय पुत्र गौरी मंडल 17 फरवरी से लापता है। लापता युवक के परिजनों ने काफी खोजबीन की लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया, जिसके बाद परिजनों ने घटना की सूचना पंजवारा थाना को दी और युवक की बरामदगी की गुहार लगाई। परिजनों ने बताया कि 17 फरवरी की सुबह गौरी शौच के लिए खेत गया था जिसके बाद से वह लापता हो गया। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना से बचाव को लेकर वर्कशॉप का हुआ आयोजन, WHO के अधिकारियों ने सतर्क रहने की कही बात। भागलपुर में अपराधी बेखौफ, दिनदहाड़े CSP संचालक से हथियार के बल पर लूटे रुपए, जांच में जुटी पुलिस। बांका में शौच करने गई नाबालिग के साथ हुई दुष्कर्म, पीड़िता ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। शहर में नहीं थम रहा है सुअरों की मौत का सिलसिला, मेयर ने कहा संक्रमण रोकने के लिए सभी वार्डों में चलाया जाएगा स्वच्छता अभियान। और डायन का आरोप लगाकर दबंगों ने महिला की सरेआम की पिटाई, हालत गंभीर, मायागंज अस्पताल में चल रहा है इलाज। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।